हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास बेटा है। आज की क्लास में मैं आपके लिए कक्षा 12 की एक पोइम जिसका नाम है द नोबल नेचर लेके आया हूँ। और इसके पोइट हैं बेन जॉनसन, जो विलियम शेक्सपियर के समकालीन माने जाते हैं। तो इस कविता के बारे में जानने से पहले इस कविता के कुछ मीनिंग्स पे, वोका पार्ट्स के बारे में या ग्लोसरी टर्म्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला मीनिंग है BULK, बल्क। बल्क मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। इसका सेम मीनिंग हो गया लार्ज इन क्वांटिटी। सेकेंड मीनिंग हम लेते हैं बाल्ड, BALD। बाल्ड यानी होता है गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग है विदाउट लीव्स, यानी बिना पत्तियों के, ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर पत्तियां नहीं होती। तीसरा मीनिंग हम ले लेते हैं SERE, शियर। शियर का सेम मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा विदर्ड। शियर या विदर्ड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, सूखा हुआ। अगला मीनिंग हम लेते हैं प्रपोर्शन, PROPORTION। प्रपोर्शन का सेम मीनिंग हो गया रेशियो, यानी अनुपात। अगला मीनिंग है मेजर। मेजर यानी होता है स्पेन या पीरियड। अंश बोल सकते हैं, अवधि बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारी कविता के वोकैबुलरी पार्ट्स। अब इस कविता के बारे में हम और कवि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कवि परिचय में बेन जॉनसन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। बेन जॉनसन वाज ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी नोन एज ए प्लेराइट पॉइट एंड एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th century। He is identified for his classical and realistic comedies is memorable comedies are Wolfen The Alchemist and The Silent Woman। देखिए कवि परिचय में
बेन जॉनसन बॉर्न ऑन 1573, 1573 में इनका जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 1637, 1637 में इनका देहावसान हो गया। ही वाज ए वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी, ऐसा व्यक्ति जिसमें एक से अधिक प्रतिभाएं मौजूद होती है। तो बेन जॉनसन वाज ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग यानी होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। लिटरेरी यानी साहित्य, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है। नोन एज ए प्लेराइट, प्लेराइटिंग यानी होता है नाटककार, ड्रामेटिस्ट भी बोल सकते हैं, पोइट एंड एक्टर एंड क्रिटिक, क्रिटिक यानी होता है समालोचक, जो साहित्य को समालोचन की दृष्टि से यानी उसके गुण और दोष दोनों तरीके से देखता है। तो बेन जॉनसन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्हें विशेष तौर से एक नाटककार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक अभिनेता के रूप में और 17वीं सदी के एक महत्वपूर्ण समालोचक के रूप में जाना जाता है। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक मतलब होता है यथार्थवादी, यानी जो सत्य पर आधारित हो। कॉमेडी का अर्थ होता है हास्य रचना या सुखांतिका बोल सकते हैं, सुखांतिका। तो बेन जॉनसन को आपको विशेष तौर से आपकी क्लासिकल यानी गंभीर कालजयी हुए हास्य रचनाओं के लिए, यथार्थवादी रचनाओं के लिए जाना जाता है। ही इज मेमोरेबल, मेमोरेबल का अर्थ हो गया यहाँ पे यादगार। कॉमेडीज आर वोल्पन, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वूमन, आपकी विशेष तौर से याद रखी जाने वाली सुखांतिकाओं में तीन हास्य रचनाएं प्रमुख है। पहली है वोल्पन, दूसरी है द अल्केमिस्ट और तीसरी रचना है द साइलेंट वूमन। ये हुआ हमारा कवि परिचय। तो अब जानते हैं कविता के बारे में। कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी। The noble nature is a short lyric. Lyric means होता है काव्य। Short lyric यानी हो गया लघु काव्य। तो noble nature एक लघु काव्य है जो कि composed, composed का अर्थ होता है निर्मित या रचित भी कह सकते हैं, by Ben Jonson, imparting, impart का अर्थ होता है निहित। ग्रेट मीनिंग एक महान अर्थ देती है एंड मैसेज, मैसेज एंड संदेश ह्यूमैनिटी एंड मानवता, दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। तो पहली पंक्ति द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, यह एक लघु काव्य है कंपोज बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन द्वारा रचित है। इम्पार्टिंग ए ग्रेट मीनिंग, यह एक विश्व स्तरीय या कह सकते हैं उच्च स्तरीय अर्थ देती है एंड ए मैसेज, और एक मानवता को एक महान संदेश देती है कि वी लिव इन डीड्स, कि हम कर्मों में जीते हैं नॉट इन ईयर्स, न कि वर्षों में। तो कवि का कहना है कि हम कर्मों में जीते हैं न कि वर्षों में। आगे देखिए द पॉइंट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास। ए मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का अर्थ हो गया अर्थहीन, अनइम्प्रेसिव। अप्रभावी या प्रभावहीन। लॉन्ग लाइफ विद ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक, हीरोइक अर्थ हो गया साहसी या साहसपूर्ण, वर्चुअस यानी बुद्धिमतापूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण या सद्गुण।
डीट्स यानी कर्म, टू सिंबल्स, सिंबल्स यानी होता है संकेत, फ्रॉम नेचर एन ओक एंड लिली, ओक का अर्थ हो गया बलूत का पेड़, बलूत का पेड़, और लिली का अर्थ हो गया कुमुदिनी, कुमुदिनी का फूल। तो देखिए इस कविता, इस लाइन को देखिए, the poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature, an oak and a lily। कवि यहाँ पर प्रकृति से दो संकेत उठाता है, पहला है ओक यानी बलूत का पेड़ और दूसरा है लिली यानी कुमुदिनी का फूल। तो यहाँ पे वह दो संकेत उठाता है और उसमें यहाँ पर एक कंपेरिजन करता है, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, कंपेरिजन यानी इसका अर्थ तुलना भी कह सकते हैं, यानी कंपेरिजन तुलना। यहां पर कवि ए मीनिंगलेस, एक अर्थहीन और अनिम्प्रेसिव, प्रभावहीन लंबे जीवन की एक संक्षिप्त लेकिन साहसपूर्ण और बुद्धिमता कार्यों से भरे हुए जीवन से तुलना करता है। यानी कवि यहां पर इन पंक्तियों में ओक वृक्ष की, बलूत के पेड़ की, ओक का वृक्ष जो 300 सालों तक जीता है, ऐसे लंबे जीवन काल वाले लेकिन अर्थहीन और प्रभावहीन जीवन वाले वृक्ष की तुलना एक बुद्धिमत्तापूर्ण या सद्गुण से भरे हुए, अच्छाइयों से भरे हुए, साहस से भरे हुए लीली यानी कुमुदिनी के वृक्ष से उसकी तुलना करता है। तो अब इस कविता के स्टांजा के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो अब कविता के स्टांजा के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कविता का पहला स्टांजा है, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डाथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक थ्री हंड्रेड ईयर, थ्री हंड्रेड ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। ये हमारे कविता का पहला स्टांजा। अब है दूसरा स्टांजा, ए लीली ऑफ ए डे इज फेयरर फार इन मई इट ऑल्दो it fall and die that night but it was the plant and flower of light in small proportion, in small proportion we just beauties see and in
short measures life may perfect be। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टांजा। ये है हमारी कविता द नोबल नेचर। पहला स्टांजा इसमें कवि कह रहा है इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। ग्रो मीन्स बढ़ना, डेवलप होना, विकसित होना। दूसरी लाइन में इन बल्क डेथ। डेथ इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड हो गया। इसका सिंपल इंग्लिश में अर्थ लें तो ये डज के लिए यूज में हुआ है, यहाँ पे डज के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेक मैन बेटर भी, बेटर यानी बेहतर। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़े रहना। लॉन्ग एन ऑक 300 ईयर। टू फॉल, फॉल इन होता है गिरना। इसका दूसरा अर्थ हो गया डीके, नष्ट होना। लोग, लोग यानी होता है लट्ठा। वृक्ष का वो जो सूखा ट्रंक जो तना होता है उसको लट्ठा लोग बोलते हैं। ड्राई यानी सूखा, बाल्ड यानी बिना पत्तियों के, पत्तियों विहीन, शेर यानी मुरझाया हुआ। तो देखिए कवि कह रहा है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। आकार में एक वृक्ष के समान बढ़ने में, विकसित होने से कुछ नहीं होता। इन बल्क, जैसे आकार में एक वृक्ष के समान बल्क बहुत बड़ा हम हो जाते हैं। मेक मैन बेटर भी, इससे हम बेहतर नहीं बन सकते। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक यानी एक ओक वृक्ष की भांति। ओक का अर्थ होता है बलूत का पेड़, बलूत का पेड़। विच लिव्स मोर देन 300 ईयर्स, जो 300 सालों तक जीता है। तो इस लाइन में कवि के कहने का अर्थ यह है कि आकार में विशाल हो जाने से कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ओक का वृक्ष होता है जो 300 सालों तक जीता है और आखिर में फाइनली फाल लोग एक लट्ठे, सूखे लट्ठे के भांति गिर जाता है जमीन पे। ड्राई सूख कर, बाल्ड अपनी पत्तियों को झाड़ कर, एंड सियर मुरझा कर वह धरती पर नष्ट हो जाता है। तो इस लाइन में, स्टांजा में कवि के कहने का अर्थ है कि यदि हम भी ओक वृक्ष की भांति ज्यादा जी रहे हैं लेकिन कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं तो ऐसे जीवन का कोई सार्थक महत्व नहीं है। क्योंकि बिल्कुल वैसे ही जैसे बलूत का पेड़ 300 सालों तक जीता है लेकिन वह न तो कोई फल देता है, न कोई फूल देता है, न ही वह इम्प्रेसिव है, न ही वह मीनिंगफुल है, न ही वह फ्रूटफुल है, और आखिर में सूख कर, पत्तियों से विहीन होकर, मुरझा कर धरती पर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जीवन का कोई सार्थक महत्व नहीं है। हिंदी में दोहा भी है एक कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं दे, फल ला गया अति दूर। तो दोहे में बिल्कुल इसी स्टांजा की सार्थकता बताई गई है कि जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है और काफी ऊंचा होता है, अब उसके फल भी लगते हैं लेकिन वो फल है वो जमीन पे नॉर्मल जो प्राणी होते हैं वह उस पेड़ के न तो फलों को भोग पाता है और ना ही उसकी छाया मनुष्यों को मिलती है। तो वह पेड़ एक तरीके से कोई फायदा देने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार यदि बलूत के पेड़ के भांति हमारा जीवन भी ज्यादा लंबा है, बड़ा है, तो ऐसे जीवन का सार्थक महत्व तो तब तक नहीं है जब तक कि हमने अपने जीवन में कुछ कोई सार्थक या बड़ा या बुद्धिमत्तापूर्ण या सद्गुण से सद्गुण वाले कार्य नहीं किए हैं। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ओक के पेड़ के भांति, बलूत के पेड़ के भांति बेकार है। दूसरा स्टांजा पहले स्टांजा में, जैसा कि मैंने पहले ही कविता परिचय में बताया था कि यहाँ पर कवि ने प्रकृति से, नेचर से, ही पिक्स टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, फर्स्ट एन ओक एंड सेकंड ए लिली। उसने प्रकृति से दो संकेत उठाए हैं, पहला ओक बलूत का पेड़ और दूसरा लिली कुमुदनी का फूल। तो पहले वाले स्टंजा में उसने बलूत के पेड़ के बारे में बताया है, उसका जीवन कैसा होता है, किस प्रकार की स्पेन या उसका पीड है। दूसरे स्टंजा में वह लिली को डिफाइन कर रहा है, लिली को परिभाषित कर रहा है कि लिली किस प्रकार का वृक्ष या फूल होता है।
दूसरे स्थान से में कवि कह रहा है ए लिली ऑफ ए डे कि जो लिली है, लिली यानी कुमुदनी का फूल, लिली इज ए वेस्टर्न फ्लावर, ये एक पाश्चात्य यूरोप का फूल है, कुमुदनी का फूल है जो केवल एक दिन का होता है। इसका जो स्पेन है, लिली का जो स्पेन है वह मात्र एक दिन का है, इसका जीवन काल मात्र एक दिन का है, जबकि ओक का उसने पहले स्थान से में बताया कि ओक 300 सालों तक जीता है, जबकि लिली मात्र एक दिन का उसका जीवन काल होता है। फिर भी इज फेरर, फेरर का मतलब अधिक सुंदर, अधिक सुंदर। फोर फेरर फार इन मई, यानी यहां पे मई का अर्थ लिया गया है स्प्रिंग से, कि जो बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है उसमें लिली का फूल बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। आल दो यद्यपि, इट मीन्स लिली, आल दो लिली फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि लिली का फूल, लिली का वृक्ष, लिली का पौधा उसी दिन, दैट नाइट, उसी दिन, उसी रात, सॉरी उसी रात ये गिरकर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिस दिन सुबह ये लिली का वृक्ष उदय होता है, यानी जैसे ही सूर्य की पहली किरण से लिली का जो फूल है वह खिलता है, उसी रात को ये वापिस मुरझाकर नष्ट भी हो जाता है। लेकिन उस बीच वाले समय में, सुबह से शाम वाले बीच वाले समय में, इट ये बहुत सी सुंदरताओं का आभास हमें करवाता है। देखिए कवि आगे वाले लाइन में कह रहा है, बट इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, देखिए लिली का जो पौधा है, ये जो फूल है, ये लाइट का है, लाइट का मतलब यहां पर है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। कवि का इस लाइन में भावार्थ यह है कि लिली का फूल हालांकि यद्यपि एक ही जीवन, एक दिन का इसका जीवन काल होता है, लेकिन फिर भी ये देखने वालों के हृदय में या उनके हृदय को प्रसन्नता से भर देता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस यानी अंश में, अनुपात में, छोटे छोटे अंशों में, वी जस्ट, जस्ट का अर्थ यहाँ पे सच्ची ब्यूटी यानी सुंदरता, इन स्मॉल प्रपोर्शंस, इन्हीं छोटे छोटे अंशों में, इन्हीं छोटे छोटे अवधियों में हम जीवन की सच्ची सुंदरताओं को देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इसी प्रकार छोटे छोटे समय अवधियों में, लाइफ में परफेक्ट भी हमारे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बिल्कुल उसी लिली की भांति। देखिए कवि कह रहा है लिली ऑफ ए डे, लिली एक ही दिन का होता है, बट इट कास्ट ए स्पेल ऑन द बीहोल्डर, कि जो भी ये इसको देखने वाला होता है उसके ऊपर एक कास्ट ए स्पेल, ये एक जादू करती है, ये उसको हिप्नोटाइज कर देती है, एक तरीके से उसको अपने सम्मोहन में कर लेती है और उसको अपनी सुंदरताओं से परिचित करवाती है, अवगत करवाती है। कवि यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि लिली एक दिन का होता है उसका जीवन काल, वह सुबह उदित होता है और शाम होते होते वह नष्ट भी हो जाता है, लेकिन बीच वाले उन छोटे छोटे अंशों में, कवि यहाँ पे कह रहा ना इन स्मॉल प्रपोर्शंस की छोटे छोटे अंशों में जीवन की सच्ची सुंदरताओं का आभास किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार सुबह से शाम वाले समय में लिली जो बीहोल्डर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो लिली को देखने वाले जो लोग होते हैं, वह उसके अंदर सच्ची सुंदरताओं का आभास करते हैं और वह उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये लिली है, लिली इज ए फ्रूटफुल, लिली इज ए मीनिंगफुल, लिली लाइफ इज इम्प्रेसिव, लिली है वह अर्थपूर्ण है, प्रभावशाली है और ये फलदायी है, ये लोगों को अपनी सुंदरताओं से खींच लेती है, उनकी ओर अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कवि इस लाइन में यही कहना चाह रहा है कि ओक के समान लंबे जीवन का कोई महत्व नहीं है, यदि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ प्रभावशाली नहीं है, कुछ फलदायी नहीं है, कुछ साहसी या सद्गुण वाला कार्य आपने अपने जीवन में नहीं किया है, तो आपका जीवन बेकार है। देखिए इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से कि भाई जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, जीवन कुछ
जीवन में कुछ ऐसे कर्म होने चाहिए जो इंसान को बड़ा बना देते हैं। देखिए इन लीली के पौधे से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लीली के पौधे के समान ही कुछ दूसरे उदाहरण भी हम देखते हैं। देखिए भगत सिंह का नाम आप सभी ने सुना है, भगत सिंह हमारे देश के पेट्रियट, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए मात्र 23 साल की एज में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन 23 साल के छोटे से जीवन काल को आजादी के इतने सालों बाद भी, इनकी शहादत के इतने सालों बाद भी लोग उनको याद करते हैं, उनके नाम से परिचित है। तो जीवन लीली की भांति छोटा और सार्थक होना चाहिए, ना कि ओक की भांति बड़ा और अर्थहीन, प्रभावहीन, गुणहीन, फलहीन नहीं होना चाहिए। भगत सिंह की तरह ही दूसरा उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल भी मात्र 39 साल था। 39 साल की उम्र में इनका भी देहावसान हो गया, लेकिन आज भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद से हर लोग परिचित हैं। इनका 1893 का शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में वो भाषण आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। ऐसे ही एक और मात्र 17 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कम उम्र में मात्र 17 साल में दुनिया का सबसे बड़ा यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ जई भी है। मलाला यूसुफ जई, ये भी इन्होंने भी मात्र 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम है वह अपने नाम का लोहा है वह मनवाया है। तो मात्र 17 साल की उम्र में ये पूरे विश्व में चर्चित चेहरा है। तो कहने का अर्थ है कवि का ओक और लीली को यहाँ पर प्रकृति से इन दो संकेतों को उठाने का एक सीधा सा अर्थ है कि हमारा जीवन बड़ा नहीं बल्कि हमारे कर्म बड़े होने चाहिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म होने चाहिए जो हमें बड़ा बनाते हैं, न कि हम एज में 70 साल 80 साल या 100 साल जिए, बल्कि 20 साल 17 साल 23 साल की एज में भी इन लोगों ने दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो जीवन लीली की भांति होना चाहिए, छोटा लेकिन फलदायी, किसी के काम आने वाला, साहस और सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। ये थी हमारी आज की कविता दी नोबल नेचर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।